हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं पहाड़ी स्टाइल दूध का हलवा। डाली इसके लिए डाली हमें लगभग एक लीटर दूध की आवश्यकता होगी और इसको हम एक लोहे की कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख देंगे और कुछ देर बाद आधा कप दूध अलग कर देंगे। हम इसको पहले उबालेंगे अच्छे से, फिर इसमें एक चम्मच मैं ऐड करूंगी घी की। घी इसमें इसलिए ऐड किया जाता है दोस्तों, ताकि इसके बाद हम जो आटा इसमें डालेंगे वो कढ़ाई से चिपके नहीं और स्मूथली वो कढ़ाई से अलग हो जाए। इसको भी इसके साथ अच्छे से मिला देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक कटोरी चीनी की। और उसके बाद इसमें आटा डाल देंगे जो कि लगभग लगभग 3 कप के करीब है, और इसको एक लकड़ी से जो कि स्पेशली इसी के लिए बनाई जाती है लगातार चलाते रहेंगे। और इसको इस तरह से चलाएंगे ताकि ये इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं, वरना ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा और इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट की आवश्यकता होती है। तो इसको लगातार चलाते रहेंगे। और फिर से हम एक चम्मच इसमें ऐड करेंगे घी की, जिससे कि यह आसानी से घूम जाए और कढ़ाई पे ना चिपके। और इसी तरह इसको चलाते रहेंगे और जो बचा हुआ दूध था उसको भी हम इसमें मिला देंगे और फिर से इसको चलाते रहेंगे। धीरे धीरे करके हमें इसको चलाना है। दोस्तों, हमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें गुठलियाँ ना बने। देखिए, और हलवा अच्छे से बन गया है हमारा। धीरे धीरे ये कढ़ाई से भी अलग होने लग गया है और इसी तरह इसको चलाते रहेंगे। दोस्तों, आप भी इसको जरूर बनाइएगा। दोस्तों, जो ये लकड़ी है ना, इस पे से हमने हलवा बहुत आसानी से निकाल दिया है। थोड़ा सा घी लगाने की ज़रूरत है, उसके बाद ये हलवा निकाल देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये पहाड़ी स्टाइल दूध का हलवा तैयार है। इसको इसमें एक चम्मच घी ऐड करके ये बहुत ही टेस्टी होता है और सेहत के लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है। इसको हम घिया की सब्जी के साथ सर्व करेंगे और अपने घर पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, ये देखिए हमारा हलवा हो चुका है तैयार। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू थैंक यू।